हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा ब्लू चिप स्टॉक एनालिसिस का सीरीज है, उसमें नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो आता है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट का एनालिसिस करते हैं। लास्ट टाइम हमने अदानी ग्रीन का किया था और यह जो है तो 14 स्टॉक का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं। ये उस सीरीज में 15 स्टॉक होगा। जब मैंने ये फाइल डाउनलोड की थी उस टाइम एशियन पेंट का जो भाव था वो था 3146, तो 3146 रुपये का भाव था और लगभग 3 लाख रुपए का 3 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप था। और ये मार्केट कैप के हिसाब से लगभग 15 स्टॉक आता है लिस्ट में। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस करेंगे वो रहेगा लार्सन। तो चलो देखते हैं एशियन पेंट का चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो आप मंथली चार्ट पे देख सकते हो लगभग ये थर्ड मंथ होगा एशियन पेंट का जिसमें ये नेगेटिव क्लोजिंग अभी तक तो नेगेटिव है, मगर ये जो है तो नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। हमने लगभग जान में 7% का लॉस देखा था, लगभग 230 रुपये नीचे बंद हुआ था। उसके बाद में फेब में लगभग 1% ऊपर बंद हुआ था, मगर जहां ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोज हुआ था। इसके वजह से ये रेड कैंडल है। यहाँ भी जो है तो हम लगभग 130 रुपये का लॉस देख रहे हैं, 4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ। और यहाँ हमने अच्छे खासे नीचे के लेवल भी देखे थे, मगर उस लेवल से अच्छा खासा रिकवरी भी आते हुए देखा है हमने एशियन पेंट में, जो कि अर्ली रिवर्सल साइन दिख रहा है ऑन मंथली चार्ट। अगर हम 2700 के ऊपर ट्रेड करते हैं कंटिन्यूसली ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस, तो ये जो है तो ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल होगा और जिसका टारगेट रहेगा लगभग 4300 का। अगर ये रिवर्सल इंटैक्ट रहता है तो उसके लिए एशियन पेंट को मंथली क्लोजिंग जो है तो हमेशा 2700 के ऊपर ही देनी पड़ेगी। अगर उसके नीचे जाते हैं तो हम जो है तो नीचे के 2300 और लगभग 1800 के भी लेवल लॉन्गर टर्म में एशियन पेंट पे देख सकते हैं। करंटली तो यहाँ वैसे ही लग रहा है कि अर्ली रिवर्सल साइन दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे। यहाँ जो है तो 2700 का लेवल जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन मंथली चार्ट। और ऊपर जैसे मैंने कहा अगर रिवर्सल आता है तो हमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 3800 और उसके बाद में 4300 के टारगेट हमें एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने ब्रेकडाउन देखा था और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखी। अभी हम जो है तो जो 20 वीक का एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ जो है तो अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम जो है तो रिवर्सल देख सकते हैं ट्रेंड में। तो वीकली चार्ट पे हम फिर अभी भी जो है तो वीकली जो 20 वीक का एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो अगर उसको क्रॉस कर लेते तो हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे ही रहते तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरी बात हो सकती है मीडियम टू लॉन्गर टर्म में, और हम फिर से जो है तो लोअर लेवल आते हुए देख सकेंगे एशियन पेंट में, जिसमें जो जिसके जो टारगेट रहेंगे वो 2500, उसके बाद में लगभग 2200-2300 पकड़ के चलिए, और लास्ट में जो टारगेट रहेगा वो 1800 का टारगेट रहेगा। अभी यहाँ जो है तो एशियन पेंट को 3150 का लेवल जो है तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो हम जो है तो फिर से न्यू लो देखते हुए लगाते हुए देखेंगे आने वाले 2 से 3 महीने में। तो फिर से हमें 2500 और 2200-2300 के लेवल जो है तो एशियन पेंट दिखा सकता है अगर हम ये फेल हो गए ये क्रॉस करने में। अगर वो क्रॉस करता है तो हमें फिर आपको जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज होते हुए देखेंगे और उस सिनेरियो में हमारे जो टारगेट रहेंगे वो ऊपर के रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए जब तक एशियन पेंट 3150 के ऊपर क्लोज नहीं होता है सक्सेसफुली, तब तक मुझे लगता है कि उस पर जो बेरिशनेस है वो हावी रहेगी और नीचे के लेवल जो है तो ओपन रहेगी उसके लिए। तो यहाँ हमारा अवॉइड का स्टांस रहेगा एज पर वीकली चार्ट। इसके लिए हम वेट करेंगे 3150 का लेवल क्रॉस करने का वेट करेंगे। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने ओवरसोल्ड सेल ऑफ देखा, ओवरसोल्ड रीजन में गए, वहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी देखी। अभी पिवट को टच करने के बाद फिर से हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि हम 20 डेज का जो एवरेज है उसके तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ 3000 का लेवल जो है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको लॉन्ग करना है एशियन पेंट में तो आपको 3000 या फिर 2950 इस जोन में लॉन्ग जाना चाहिए।
मगर ये हाई रिस्क लॉन्ग रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बड़े चार्ट पे अभी भी एशियन पेंट जो है तो नेगेटिव है, तो इसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो 2950-3000 के अराउंड आपको लॉन्ग जाना चाहिए एशियन पेंट में, स्टॉप लॉस रहेगा 2890 के नीचे, तो 2890 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और जो आपके टारगेट बनते हैं वो 3200 से लेकर 3300 रुपये के टारगेट बनेंगे अगर आपको लॉन्ग करना है तो। यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा लॉन्ग करने की जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी वो इसी लेवल पे थी 2600-2700 पे। अभी मुझे लगता है कि यहाँ वेट एंड वॉच करना चाहिए, या शायद कोई भी ट्रेड नहीं बनता है जब तक यह प्राइजेस जो है तो स्टेबलाइज नहीं हो जाते और एक परफेक्ट प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न उभर कर नहीं आता है जब तक चार्ट पे। तो मेरी सलाह रहेगी कि डेली चार्ट पे भी यहाँ अवॉइड करना चाहिए, वीकली चार्ट पे भी वेट एंड वॉच है, डेली चार्ट पे भी वेट एंड वॉच है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको लेवल बता दिया है, मगर यहाँ ये हाई रिस्क रहेगा और उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हम अगर 200 डेज का एवरेज के नीचे स्लिप करते हैं और उसके नीचे सस्टेन करते तो हम फिर से जो है तो फ्रेश लो लगता हुआ देखेंगे अप्रैल या फिर मई में। तो और यहाँ अगर क्रूड ऑयल ऊपर के लेवल पे रहता है तो आपको एशियन पेंट में अच्छा खासा प्रेशर बनते हुए देखेंगे, और यहाँ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हुए देखेंगे, जिसके वजह से प्राइस में अच्छा खासा स्लंप आ सकता है। तो डेली चार्ट पे वेट एंड वॉच है, यहाँ कोई भी ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करंट लेवल पे। अगर आपको लॉन्ग करना ही है तो 2950 और 3000 के अराउंड आपको बाय करना चाहिए, मगर उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2890 का, और वो भी ट्रिगर होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे यहाँ कोई भी ट्रेड लेना। ट्रेड जो बनता था ये रिवर्सल जब आया था वो उसी टाइम ट्रेड बनता था, या फिर यह जो 2800 पे भी ट्रेड बनता था जिसके टारगेट थे वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है एशियन पेंट। अभी यहाँ जो है तो करेक्शन कंसोलिडेशन शायद चालू रहेगा, तो यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं बनता है मेरे हिसाब से, तो डेली चार्ट पे भी अवॉइड है। वीकली चार्ट पे जब तक 3150 क्रॉस नहीं करता है वीकली बेसिस पे तब तक मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर हम उसके नीचे रहते तो हमें बहुत नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट में, और उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मंथली चार्ट पे हमने देखा कि अच्छा खासा रिवर्सल आ चुका है, मगर यहाँ जो है तो उसके लिए 2700 का लेवल उसको इंटैक्ट कर रखना पड़ेगा। इंडिकेटर वाइज बेरिश है, मगर अभी नेक्स्ट कैंडल कैसी फॉर्म होती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन शुरू होती है तो हमें जो है तो एक अच्छी खासी रैली मिल सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, जिसका टारगेट रहेगा 4300 का। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि एशियन पेंट को वेट एंड वॉच करना चाहिए, हम इसको जो है तो आगे चल के फॉलोअप लेंगे। अभी फिलहाल उसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं है उस पर अवेलेबल, तो यहाँ सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। इसको हम वॉच करते रहेंगे, जब कभी भी अच्छी प्राइस लेवल या फिर प्राइस पैटर्न या इंडिकेटर पैटर्न उभर कर आएंगे तब हम उसमें ट्रेड ले सकेंगे। अभी फिलहाल जो है तो इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में डाल देंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।